तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार्टून फेस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप स्केच बुक ले लें एक और कुछ सेट्स ऑफ पेंसिल्स जो मैंने ले रखी हैं, 6B और ये रेजर वगैरह। तो आज बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा कार्टून फेस बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है। बहुत रफ तरीके का हमने ये सर्कल खींचा। तो ये बेसिक्स है कि आप इसको इस तरीके से सर्कल खींचें और ये मैंने नीचे का पार्ट बनाया, चिन का पार्ट, और हमने इसको इस तरीके से बीच से डिवाइड किया। और आप ये डिफरेंट डिफरेंट शेप भी ले सकते हैं। मैंने इस तरीके से कर्व लेके शेप लिया हमने यहाँ पे कान बनाया, ये नेक बनाई। चलो अब ड्रॉ करते हैं इसका आईज फीचर्स। तो सबसे पहले हमने आईब्रो ड्रॉ करी। आप आईज किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैंने सर्कल में लेके कार्टूनिश आईज बनाई है। और ये नोज बनाया, ये लिप्स। तो अब ये बेसिक्स हमारा एक तैयार हो गया। अभी हम इसके ऊपर हेयर ड्रॉ करने हैं। तो हेयर का स्टाइल सबका अलग अलग होता है, आप कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमने तो ये हमारा बेसिक एक रफ ड्राइंग होगी। अब हम इसको करते हैं फाइनल। तो आप 6B की पेंसिल या 8B या 10B जो भी हो आप ले सकते हैं। और आप इसमें देखो, ये हमारा एक कार्टून तैयार हो गया। तो इसमें आप चाहो तो स्केच पेन से कलर कर सकते हो, आप चाहो पेंसिल शेडिंग कर सकते हो। तो लेट्स ट्राई, हम पेंसिल शेड करते हैं इसमें। तो हम इसमें सबसे पहले हेयर को इस तरीके से पेंसिल पकड़ के इसके हेयर को हम ग्रे करते हैं। ये मैं 10B पेंसिल ले रहा हूँ, आप भी 10B यूज़ कर सकते हो। बट बेसिकली आपको किस तरीके से यूज़ करना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि एक सिंपल पेंसिल से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक्स कैसे निकाले जाते हैं। अभी मैं आपको सिंपल एक कार्टून फेस बनाना सिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा क्विक स्केचिंग में कैसे जो है कार्टून फेस बनाया जाता है। तो ये मैंने इसमें शेडिंग कर दी। अब इसमें थोड़ा सा लाइन्स टेक्सचर भी दे सकते हैं इस तरीके से।
तो इसमें वो कार्टून का फील आ जाएगा कि ये मैंने जो आपको पहले शेडिंग का जो क्लास ली थी आप वो शेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं इसमें. इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे इसमें टेक्सचर शेडिंग यूज़ करना चाह रहे हैं. तो ये तो हमारा ये हो गया. अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये देखिए मैं 45 डिग्री एंगल में ही शेडिंग कर रहा हूँ. आप इसको हल्का सा स्मच भी कर सकते हैं, ये भी एक टेक्निक होती है स्मच करने की, या आप कॉटन से भी कर सकते हैं या फिंगर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए ठीक तरीके से. तो ये मैंने थोड़ा डेप्थ दिखाने के लिए इसको स्मच कर दिया. इसको स्मच कर दिया तो ये आप देख सकते हैं अच्छा सा एक कार्टून तैयार हो गया. आगे मैं बहुत आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी मैंने आपको एक क्विक स्केचिंग करके दिखाई है कि कैसे इस पोर्ट्रेट को बनाया जा सकता है एक सर्कल के उससे. हमारे जितना भी ड्राइंग होता है सारा शेप में होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, आपको शेप आइडेंटिफाई करना है और ड्रॉ करना है. तो ये एक कार्टून जो है कार्टून फेस बॉय का मैंने तैयार किया. आप इसको देख के ट्राई कर सकते हैं और इसमें आप अलग अलग आईज अलग अलग मैं एक क्लास एक्सप्रेशन भी लूँगा फेस एक्सप्रेशन कैसे बनाए जाते हैं. ये मैंने हैप्पी एक्सप्रेशन फेस एक्सप्रेशन बनाया है स्माइल करता हुआ बॉय. तो ये अभी आप इसको ट्राई करो. नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सप्रेशन की क्लास लूँगा, बताऊँगी एक्सप्रेशन कैसे बनाए जाते हैं. ये एक ये कार्टून फेस तैयार हो गया है. आप इसको देखें इंजॉय करें और ड्रॉ करें और आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.